नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। पाकिस्तान में इस समय पॉलिटिकल संकट चल रहा है और इसी के चलते इमरान खान की सरकार भी गिर गई है। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा भी अपना पद छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी अपने रिटायरमेंट के फैसले को वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अपने क्रिकेट करियर में 36 टेस्ट मैच, 61 ओडीआई, 50 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने जब रिटायरमेंट का फैसला लिया तो उन्होंने कहा था कि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। दिसंबर 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट लेते हुए कहा कि मैं क्रिकेट से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मानसिक रूप से परेशान करके कहा जा रहा है कि पीसीबी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही आपको बता दें कि रमीज़ राजा भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और साथ ही साथ नजम सेट्टी पीसीबी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। आपको बता दें कि जब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का फैसला लिया तब उन्होंने नजम सेट्टी का ही धन्यवाद किया था और उन्हें ही कहा था कि उन्होंने ही मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया। जब मैं 2010 से 15 के समय काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा था तब नजम सेट्टी ने ही मेरा साथ दिया था। बहरहाल आपको इस बात की ज़रूर जानकारी देंगे कि क्या कुछ होता है पीसीबी में, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं मोहम्मद आमिर के इस फैसले के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।